आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चल गया तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलते हैं आज की वीडियो जो हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो वीडियो न्यूजीलैंड से न्यूयॉर्क तक भगवा रंग बेग पाकिस्तान सुन चले जी पाकिस्तान की सुन बटा सुन हो गई है तो देखते हैं भी कैसे न्यूजीलैंड से ये गया न्यूयॉर्क तक पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। Jai Shri Ram to the entire Parrot, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulations to the Prime Minister Modi on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बिरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपनी प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने और वो पिक्चर्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बिरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें आई एम गोइंग देयर मायसेल्फ। Especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की रौनक देखते ही बन रही है और ये रौनक सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से आ रही वीडियो ये बता रही है कि इन देशों में भी प्राण प्रतिष्ठा खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मंत्री डेविड सेम्योर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सहित भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद इस राम मंदिर निर्माण का संभव बनाया है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साहस और ज्ञान की कामना करता हूं, क्योंकि वे भारत में 1 अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें ताकत और विश्वास रहेगा। मुझे राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। इसी तरह लंदन में भी इस समारोह को लेकर रैलियां निकाली गई जिसमें जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। अब दुनिया भर से इस समारोह के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है, उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारी और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, उन्होंने यहां आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें, वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप ये देखें कि आपने इस्तंबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको भी बर्दाश्त करें। फिर आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं, या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप।
आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं, मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी चार और ऐसी मस्जिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे, 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा और इस पे ज्यादा सेंटी ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें। क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है, और दूसरा मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है, दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप हर अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे वो मर देंगे, तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है, चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी क्योंकि कारोबार बना लिया हमने, कारोबार छोड़ दें। मैं इसको आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को, उनके साथ खुशियों में शरीक हूं अपने हिंदू भाइयों के साथ, इंजॉय करें, रिलैक्स करें, इंजॉय करें, और दूसरा कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रेशियस, इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इन्वाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें, आई एम गोइंग देयर मायसेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता, मैं बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब के ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेंपल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इस ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। यकूब भाई आपने एक वीडियो में कहा था, हो गई भाई, शादी हो गई आपको, आपने एक वीडियो में कहा था कहाँ है, कहाँ मनाया जा रहा है ये हमारा क्या से क्या है उद्घाटन जो है, दूसरे कंट्रीज में सेलिब्रेशन हो रही है, देखा है वीडियो कैसे गाड़ियों में जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, देखा देखा न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जो है डेढ़ का बात बड़ी की मोदी को, वो अच्छी बात है मुझे ये मेरा मतलब, और उसके बाद वो जापान की मेरे ख्याल में थी जिसने वो मोदी साहब को मुबारक की, और बे ऑफिशियल छुट्टी भी की गई है जो नहीं, किसी कंट्री में भी छुट्टी नहीं की गई, नहीं हिंदुओं के लिए यार कोई छुट्टी किसी को नहीं हुई यार, वर्कर्स को जो स्पेशल जो हिंदू को कहा गया होगा कि आप छुट्टी का दिन को लाइव देखिए।
भाई ये सभी कंट्री में तो नहीं, मतलब कि ना चंद एक कंट्री जैसे यूए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी में मेरे ख्याल से जो है ना वहाँ पर ये लाइव इसको दिखाया जाएगा। क्या ये लफ्ज ये बोल रहा था भाई, प्राण प्रतिष्ठा एक लफ्ज भी बड़े मुश्किल से होते हैं भाई, हम तो समझ में नहीं आती है इसमें, मतलब उद्घाटन हम कहते हैं या किस है इसका बात है? नहीं वो ऑल वेद नहीं, प्राण प्रतिष्ठा और बात होती है कोई और चले जो भी होगा अपने अल्फाज में कोई उसका मतलब होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर उनको मुबारकबाद मिली है और लोग दे रहे हैं। यूएसए में भाई अकेले यूएसए के अंदर से क्या है कि 300 जगहों से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ये इफ्तिताह जो है दुबई के अंदर भी होगा भाई, दुबई में भी होगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूँ मोस्टली जो कंट्री है ना ज्यादातर कंट्रीज में ये लाइव चलेगा भाई, भाई अगर वो ना भी करें ना फॉर एग्जांपल ना भी करें तो फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कर रहे थे इससे देखें कि उनके दोनों कंट्री के दरमियान रिलेशन कितने अच्छे हैं ये इससे साबित होता है। अच्छा। और वो अब लोगों का अपने जो है ना इस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो भाई पाकिस्तान भी हो रहा है, पाकिस्तान ना कुछ सुन हो रहा है ना कुछ उसको हो रहा है, ना उसको खुशी है ना उसको गमी है, नहीं खुशी त्यौहार पाकिस्तान को कैसे खुशी हो सकती है? वो ही मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को इससे कोई दुख भी नहीं है, पाकिस्तान और राम मंदिर बनने से कोई दुख नहीं है, किसी पाकिस्तानी को दुख नहीं है, क्यों? वो इसीलिए कि राम मंदिर इंडिया में बना है और इंडिया के मानने वाले हैं, हमें इससे कोई नुकसान नहीं, वो उनके मंदिर नहीं मंदिर हमें उसमें खुशी हमें नुकसान नहीं तो काफी थी, कोई हमें नुकसान नहीं, राम मंदिर बनने से हमें खुशी है कि उनकी एक राम मंदिर बड़ी मुद्दत से जो नजरों में था वो बन रहा है, किसी पाकिस्तानी को नहीं देश में नुकसान नहीं, क्यों नुकसान होना चाहिए हमें, हमें है भी नहीं हो भी नहीं सही, वो इंडिया का दिन है, इंडिया की खुशी का मौका है ना होना चाहिए। ये समय उस कंट्री के मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी तक उन्होंने यानी कि ना को थोड़ा सा अनाउंस किया या को पता चला, लेकिन जो पता चलेगा सुबह परसों यानी कि इसका पता चलेगा कि किन किन कंट्रियों ने छुट्टी की है और किन्नों ने लाइव जो है वो फिर पता उसके बाद कंट्री में इस दिन की छुट्टी भी की गई है कि सिर्फ जो हिंदू रहते हैं कई कंट्रियों में उनको सिर्फ लाइव देखने मुबारकबाद तो आ रही है, वो यार वो तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है कि सारी दुनिया ने मुबारक दी, वो मेरे ख्याल से जो जैसे चंद्रयान 3 बनाया था इंडिया पहुंचा चांद पे तो उस चंद्रयान में उस वक्त नहीं मुबारक मिली, जब वर्ल्ड कप जीत जाता है उसको सारी दुनिया नहीं देती, कोई भी मुल्क की खातिर जो अच्छा काम होता है उसको सारी दुनिया मुबारक देती है। वो एक मेरे ख्याल से जो है ना जापान की लड़की थी वो जो कह रही थी नमस्ते और मुबारकबाद साहब को जो है ना पेश कर रही थी मुबारकबाद राम मंदिर पर, जापान की और इंडिया की दोस्ती कहीं किसी ने ढकी छुपी थोड़ी है, वैसे ही वो शिंजो आबे जो था वो बहुत बड़ा, हाँ उसने मोदी साहब ने भी उनका कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि वो मेरा जो है ना बहुत जिगरी यार था, मुश्किल वक्त में उन्होंने उसके काम आया था, बिल्कुल लगोटिया यार है भाई। अभी तो ये भी न्यूज आ रही है कि जापान ज्वाइन कर रहा है इंडिया का ये जो इसरो को भी ये मिशन जो है आदित्य अल्वानी जो मिशन इसरो करती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, बता भाई जापान फिश पहुंच चुका है चांद पे, जापान इसने सक्सेसफुल नहीं हुआ पहुंच चुका है, उसने हेल्प मांगी है इसरो से, अब मेरी हमारी जो है ना इसमें हेल्प करें, दुनिया मांग रही है भाई, बिल्कुल यार आप दुनिया में डंका इनका बज रहा है, इसलिए भाई वो कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, मांगने से नासा से भी मांग सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने इसरो से मांगी, नासा भाई खुद मांग रहा है टेक्नोलॉजी, वो खुद इनसे मांग रहे हैं इंडिया से, नासा की वो अब डिमांड नहीं रही जो पहले थी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर खुद सर कह लें कि इंडिया की डिमांड पूरी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, लेकिन ओवरऑल भाई ये है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है ना इसके चर्चे जो है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया से मोदी साहब को मुबारकबाद दी जा रही है, जैसे न्यूजीलैंड ने दिया उसके बाद न्यूयॉर्क उसके बाद जो वो जापानी लड़की थी सुबह, मेरे ख्याल में हो सकता है बहुत से और कंट्रीज हैं वो भी मुबारकबाद दें इंडिया को, बिल्कुल सही है, शानदार थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।